So let's start. Our topic is continuous organizational structure has two types, functional structure and divisional structure. ठीक है, मैंने अभी इसके पहले पार्ट में organizational structure का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस. अब आता है टाइप्स ऑफ organizational structure. Organizational structure have two types, functional and divisional. Functional structure means that structure in which we make the departments in our organization on the behalf of functions and yeah, activity. And divisional structure is that structure in which we make the departments in our organization on the behalf of product. So, आज हम functional को detail से discuss करते हैं. सबसे first आता है functional structure का meaning, जो मैं already अभी discuss कर चुकी हूँ. उसके बाद आता है कोई भी एक एग्जाम्पल जहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल लाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, वहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल है, मैं इस डायग्राम से हमसे एग्जाम्पल है कि मैं फर्नीचर का बिजनेस करती हूँ. मेरी फर्म फर्नीचर का बिजनेस करती है. ठीक है, फर्नीचर, मेरी फर्म फर्नीचर का बिजनेस करती है. तो कहते हैं फर्नीचर के लिए हम फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है. ठीक है, फर्नीचर के काम को मैंने फोर पार्ट में डिवाइड किया. प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं, परचेज करते हैं. इट मीन्स जब हम फर्नीचर को प्रोड्यूस करते हैं तो हमने प्रोड्यूस करना, इट मीन्स प्रोडक्शन एक फंक्शन है, उसकी एक एक्टिविटी है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना लिया. मार्केटिंग करेंगे, मार्केट में क्या करेंगे, फर्नीचर को सेल करेंगे, तो मार्केटिंग एक अलग डिपार्टमेंट बना लिया. भाई दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, इट मीन्स वी हैव नीड फाइनेंस. तो फाइनेंस का मैंने अलग डिपार्टमेंट बना दिया. फिर उसके बाद जब हम फर्नीचर को प्रोड्यूस करेंगे तो वी आल्सो रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल या मशीन्स. तो मैंने परचेज करने पड़ेगा आपको रॉ मटेरियल मशीन्स, तो मैंने परचेज का अलग डिपार्टमेंट बना दिया. इट मीन्स वेन वी प्रोड्यूस एनी सिंगल प्रोडक्ट देन वी परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग ऑफ एवरी एक्टिविटी वी आल्सो क्रिएट ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच एक्टिविटी. हमने क्या कर दिया, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट के लिए हम जितने भी फंक्शन से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हर फंक्शन या एक्टिविटी का बच्चे मैंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया. उसी को ही क्या बोला जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर. जैसे मैं यहाँ फर्नीचर बना रही हूँ, फर्नीचर को बनाने के लिए मैं चार एक्टिविटी कर रही हूँ, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड परचेज. प्रोडक्शन का मैंने अलग डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग का मैंने अलग बना दिया, फाइनेंस का मैंने अलग बना दिया, परचेज का मैंने अलग बना दिया. प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, क्वालिटी चेकिंग करेगा, रिपेयर वगैरह देखेगा मशीन की, और प्रोसेसिंग वगैरह देखेगा कि कंटिन्यूअस मशीन प्रोड्यूस कर रही है या नहीं. मार्केटिंग वाला एडवर्टीजमेंट करता है, सेल्स करता है, कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देना, रिसर्च करना मार्केट में कस्टमर की क्या नीड एंड वांट चेंज हो रही है. फाइनेंस वाला अपना फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर देखेगा, मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना है या शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेना है, और फ्यूचर में फाइनेंस की प्लानिंग बनाएगा, कितने फाइनेंस की मुझे रिक्वायरमेंट है. उसके बाद परचेज वाला रॉ मटेरियल परचेज करेगा, मशीन परचेज करेगा, और जितना भी टूल्स परचेज करेगा, जो भी कुछ उसने परचेज किया, सबका रिपोर्ट मेंटेन करेगा. कितने ये सारी एक्टिविटी वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा. तो बेटा इस स्ट्रक्चर का जो डायग्राम बना रखा है मैंने, ये स्ट्रक्चर आपका कौन सा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर. इट मीन्स इन फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, एवरी फंक्शन का हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर. उसके बाद आता है इसकी मैरिट्स. भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी अगर मैं अपने बिजनेस में फंक्शंस के बिहार पे डिपार्टमेंट क्रिएट करती हूँ तो उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. फर्स्ट बेनिफिट्स है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. इट मीन्स हम उस प्रोडक्ट के एक एक फंक्शंस के क्या बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं. ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब व्हेन वी मेक द डिपार्टमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ फंक्शन देन वी आल्सो बिकम द स्पेशलिस्ट ऑफ एवरी फंक्शन. एवरी एक्टिविटी के हम स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, सो वी गॉट ए स्पेशलाइजेशन. सेकेंड, इजी सुपरविजन. कहता हर डिपार्टमेंट के काम को चेक करना इजी होता है क्योंकि एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्टिविटी. सो इट इज वेरी इजी टू चेक द वर्क ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट. सो इजी सुपरविजन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये प्रोडक्शन है, तो यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्शन का ही काम हो रहा है, एक सिंगल फंक्शन, एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, इसलिए उसके फंक्शन को या उस काम को चेक करना इजी होता है. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने पूरी क्लास को एक ही क्वेश्चन सोल्व कराया. मैंने अकाउंटेंसी का क्वेश्चन लिया, ब्लैक बोर्ड पे मैंने सोल्व कराया,
ठीक है, उसके बाद मैं सेम क्वेश्चन सारे बच्चों को दे रही हूँ, तो सब बच्चों के क्वेश्चंस को चेक करना मेरे लिए इजी है क्योंकि सारे एक जैसा काम कर रहे हैं। पहले बच्चे के क्वेश्चन को अच्छे से चेक किया, उसके बाद वो क्वेश्चन का आंसर मेरे माइंड में फ्रेम हो जाता है। सभी बच्चों के क्वेश्चन को मैं इजीली से चेक कर सकती हूँ, मुझे किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही टाइम भी कम लगेगा। बट अगर मैंने हर स्टूडेंट को अलग अलग फंक्शन अलग अलग क्वेश्चंस दिया उनको और उसके बाद मैं चेक करती हूँ, तो बेटा हर स्टूडेंट के क्वेश्चन को चेक करने में मुझे लॉट ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म होता है, सो यहाँ पर वर्क को चेक करना क्या होता है, इजी होता है। उसके बाद आता है इजी ट्रेनिंग, कहते हैं यार ट्रेनिंग देना भी क्या होता है, इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि एवरी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो परफॉर्म ए सिंगल एक्टिविटी। ठीक है, सो हमें ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम और ज्यादा मनी एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ईच डिपार्टमेंट इज ऑल्सो परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्टिविटी, सो इट इज वेरी इजी टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉइज। बेटर कोऑर्डिनेशन, देखो यहाँ पर मेरिट्स में पॉइंट दे रखा है बेटर कोऑर्डिनेशन और डीमेरिट्स में पॉइंट दे रखा है लेस कोऑर्डिनेशन। कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। मैं फर्नीचर यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो फर्नीचर के लिए मैंने चार डिपार्टमेंट बना रखे हैं। सॉरी, ये फोर के फोर डिपार्टमेंट आपस में क्या होता है, इंटरडिपेंड। ठीक है, इंटरडिपेंड होने की वजह से इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है, सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या रहा है, हाई। क्यों, क्योंकि जब तक अगर आपको गुड्स मार्केट में सेल करनी है तो मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन पर डिपेंड है, प्रोडक्शन वाला परचेज पे डिपेंड है, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, और परचेज वाला किस पे डिपेंड है, फाइनेंस पे। इट मींस ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंड टू ईच अदर फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस। सो वी कैन से दैट इन फंक्शनल स्ट्रक्चर देयर इज ए बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स, बट यहाँ कह दिया लेस कोऑर्डिनेशन। कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन लेस रहता है, क्यों, बिकॉज देर आर द वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड एवरी डिपार्टमेंट टू इंटरडिपेंड टू ईच अदर, और जहाँ इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा रहती है वहाँ डिस्प्यूट होने के चांसेस भी क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। इफ वन डिपार्टमेंट नॉट कोऑपरेट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑन एक्यूरेट टाइम, ठीक है, सो इन दिस केस द डिस्प्यूट इज ऑल्सो अराइज बिटवीन बोथ डिपार्टमेंट, और दो डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा तो इसका इफेक्ट अनदर डिपार्टमेंट से भी अराइज होता है। इसका मतलब होता है यहाँ डिस्प्यूट के चांसेस भी क्या रहते हैं, ज्यादा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर कोई बाहर वाला बंदा उनसे डिस्प्यूट करता है, ठीक है, तो दोनों भाई बहनों में यूनिटी बड़ी जबरदस्त रहती है, तो वहाँ तो कोऑर्डिनेशन क्या रहता है, ज़्यादा। कोई भी ऐसी कंडीशन हमारी फैमिली पे आ जाती है, बहन भाइयों में बहुत जबरदस्त यूनिटी रहती है, तो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है। लेकिन जब दोनों बहन भाई आपस में इंटरडिपेंड है, तो उनमें जब डिस्प्यूट होता है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, लूज भी हो जाता है। यानी जब बनती है तो बहुत मोर कोऑर्डिनेशन, लेकिन डिस्प्यूट भी हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी है दोनों पे। तो जब डिस्प्यूट होता है तो उस केस में वहाँ कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। बेटा सेम सिचुएशन इज ऑल्सो अप्लीकेबल इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, सो मोर कोऑर्डिनेशन है। बट इंटरडिपेंडेंसी की वजह से समटाइम एक्यूरेट टाइम पर कोऑपरेट नहीं करने की वजह से उनमें डिस्प्यूट भी अराइज हो जाता है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है, जब ये एक्सप्लेन करोगे तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, और जब मेरिट्स एक्सप्लेन करोगे तो पॉजिटिव थिंकिंग करके आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ये ध्यान रखोगे। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कहता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में कभी भी वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होता। ओवरलैपिंग क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन का ही वर्क परफॉर्म हो रहा है, मार्केटिंग में मार्केटिंग का ही वर्क परफॉर्म हो रहा है, फाइनेंस में फाइनेंस का ही परफॉर्म हो रहा है, परचेज में परचेज का ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट का काम परचेज वाला करे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल एक्टिविटी ऑलरेडी पहले से डिफाइन होती है, कोई भी डिपार्टमेंट किसी ने अनदर डिपार्टमेंट का वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, सो यहाँ डुप्लीकेशन के चांसेज भी नहीं है। ये थी इसकी मेरिट्स। उसके बाद बच्चों आती है डीमेरिट्स, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया, दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मैंने डिसीजन ले लिया, अगर मैं फ्रिक्वेंटली इस डिसीजन को चेंज करना चाहती हूँ, तो इन फंक्शनल स्ट्रक्चर वी कांट चेंज अवर डिसीजन फ्रिक्वेंटली बिकॉज, ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंड, और मैं विदाउट डिस्कशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स वी कांट चेंज अवर डिसीजन, क्योंकि मेरे डिसीजन का इफेक्ट अनदर डिपार्टमेंट्स पे भी पड़ेगा, इसलिए मैं उनसे डिस्कस के बगैर अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकती हूँ।
ठीक है, या ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉय हो जाते हैं, एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉय हो जाते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप एम्प्लॉयज का यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज को मार्केटिंग का काम नहीं आएगा, वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट नहीं है। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को वी कांट ट्रांसफर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को वी कांट ट्रांसफर इन परचेज, ठीक है। सो देर इज ए इनफ्लेक्सिबिलिटी इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिकॉज इफ द सरप्लस एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन वन डिपार्टमेंट, देन डेफिनेटली वी कांट ट्रांसफर दीज एम्प्लॉयज इन अनदर डिपार्टमेंट। सो वी कैन से दैट इन दिस स्ट्रक्चर देर इज ए इनफ्लेक्सिबिलिटी। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हो, ये तो मैंने एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दिया, आप डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बेटा अगली डिमेरिट्स आती है, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है किसी की भी। इफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर नॉट अचीव, देन वी कांट अकाउंटेबल टू एनी वन डिपार्टमेंट। बिकॉज इफ हम अकाउंटेबल अगर मार्केटिंग वाले को ठहराते हैं कि भाई आपकी वजह से सेल इंक्रीज नहीं हो पाई या सेल का टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन वाले पे ब्लेम करेगा, जी गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं हुई, मेरे पास तो अवेलेबल ही नहीं हुई, तो मैं कैसे सेल करूंगा। प्रोडक्शन वाला किस पे कर देगा, परचेज वाले पे ब्लेम लगा देगा, रॉ मटेरियल ही नहीं आया था कहाँ से प्रोड्यूस करूँ। परचेज वाला फाइनेंस पे ब्लेम लगा देगा, पैसा ही नहीं था कहाँ से परचेज करूँ। इट मीन्स ऑल डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं। सो इफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर नॉट अचीव, देन वी कांट अकाउंटेबल टू एनी वन डिपार्टमेंट, बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंड टू ईच अदर। सो देर इज, ठीक है, देर इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट। लास्ट है और जो भी मेरिट्स फोर्थ, लेस इंपोर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इट मींस एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो वांट टू अचीव देयर ओन गोल, एवरी डिपार्टमेंट इज आल्सो डू एफर्ट्स फॉर अचीविंग देयर ओन गोल, ठीक है। द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। सो समटाइम ओल्ड एम्प्लॉयज नॉट परफॉर्म द वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड डू नॉट डू द एफर्ट्स फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इन दिस वे समटाइम अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर नॉट अचीव। कहता हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने गोल को अचीव करने पर फोकस देता है, वो होल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कोई इंपॉर्टेंस ना मिलने की वजह से समटाइम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं हो पाता। फिर बच्चा सोचता है, मैडम एक बात बताओ, हर बंदा अपना अपना काम कर लेगा सही तरीके से तो ऑटोमेटिक बिजनेस का गोल अचीव हो जाएगा, जैसे नो, ये माइंड में तो आ रहा होगा आपके माइंड में कि एवरी अगर डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने गोल को अचीव करेगा तो ऑटोमेटिक पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। आप सही सोच रहे हो और आप बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे जा रहे हो, बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। बेटा मेरे को, हम 10 पर्सन है, 10 एम्प्लॉय है, ठीक है, और मैंने हम 10 एम्प्लॉय को मेरे सीनियर ने वर्क असाइन किया कि आप 10 को मिलके 10,000 यूनिट क्या करनी है, मार्केट में सेल करनी है। हमने कहा ठीक है, हम सेल कर देंगे, इसका मतलब हमारे एक एक एम्प्लॉय के हिस्से में 1,000 यूनिट आई है। अगली बात समझ में, अचानक 2 एम्प्लॉय क्या हो गए, बीमार हो गए, किसी भी डीजी से सफरिंग हो गई, हमने तो अपना 1,000 का यूनिट टारगेट अचीव कर लिया, अब वो बीमार हो गए, जिसका मतलब 2,000 यूनिट वो सेल नहीं हो पाई। तो यहाँ पर ये कहता है कि हर बंदा अपने पे फोकस दे रहा था, तो 1,000 इसका मतलब 8,000 यूनिट तो सेल कर दी, लेकिन उनके बीमार होने की वजह से 2,000 यूनिट मार्केट में सेल नहीं हो पाई, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाया। हमें क्या करना चाहिए था कि उन सबके साथ जो प्रॉब्लम आई थी उनकी यूनिट्स को भी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम आपस में क्या कर लेते, शेयर कर लेते, तो डेफिनेटली हमारा फोकस ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ज़्यादा होता, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस होता तो ऑटोमेटिक हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या कर लेते, अचीव, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल पर्सन अपने इंडिविजुअल गोल पर फोकस दे रहा है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। इस वजह से सबको समझ आ गया, अगर ऐसी कभी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो अपने इंडिविजुअल गोल पे कंसंट्रेट करने की बजाय ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक ये स्थिति मैनेज है। सूटेबिलिटी, ये तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जनरली वहाँ सूटेबल होता है जहाँ एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जहाँ आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, एक एक काम का स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक है, जहाँ सिंगल लाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, उसका मीनिंग, उसकी
एग्जांपल विद डायग्राम, उसकी मैरिट्स और उसकी डीमेरिट्स। अच्छे से आप लोग इसको क्या करना, रीड करना एक बार, और डाउट्स जितने भी होते हैं टिक लगा लेना। जब हमारी लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास में हम डाउट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।